हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार जी। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आई होप कि अच्छे होंगे और अपने प्लांट्स का भी काफ़ी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे अपने खूबसूरत सिंगोनियम की, यानी कि एरोहेड की। फ्रेंड्स, इसको दोनों ही नाम से जाना जाता है। और फ्रेंड्स, ये काफ़ी खूबसूरत प्लांट है, ये देखिए, है ना, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मेरे पास एक जो कॉमन सभी लोगों के पास पाया जाता है, एक वो है जो मैं अक्सर आप लोगों को दिखाती रहती हूँ। और फ्रेंड्स, ये थोड़ा अलग है, कुछ हटके है, तो मैं आज आपको इसको इसलिए दिखा रही हूँ कि मैंने आज फ्रेंड्स इसको पॉट से निकाल करके दूसरे पॉट में लगाया है। फ्रेंड्स, ये मैंने छोटे से पॉट में लगा रखा था, और फ्रेंड्स जिस टाइम लाई थी मैं इसे, उस समय फ्रेंड्स ये काफ़ी छोटा था और इसकी लीव्स इतनी बड़ी बड़ी थी, देखिए ऐसी थी छोटी छोटी। तो मुझे लगा कि छोटी छोटी लीव्स वाला प्लांट है, इसको मैंने छोटे से प्लांटर्स में लगा दिया था। और अभी फ्रेंड्स ये काफ़ी टाइम से उसी में लगा हुआ था, और अभी इतना सारा ऐसे निकल के आ रहा है। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि इसको, मुझे लग रहा है जगह थोड़ी बड़ी देनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, पहले मैंने इसको 4 इंच के पॉट में लगा रखा था, और अभी मैंने इसको फ्रेंड्स 10 इंच का पॉट दिया है। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो सिंगोनियम है, ये एक तो इसकी ग्रीनरी देख रहे हैं, थोड़े डार्क कलर की है, और उस पर जो इसमें लीव्स में जो इसका देख रहे हैं डिज़ाइन बना हुआ है, इसकी जो लाइनिंग है वो कुछ ज़्यादा हैं नॉर्मल वाले एरो हेड से, और लाइट कलर भी है इसमें। तो मैं आपको एक बार पहले वाला दिखाती हूँ, वैसे तो हम सभी जानते हैं उसको, फिर भी मैं एक झलक आप लोगों को इस वीडियो में उस वाले सिंगोनियम की दिखाना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, ये एरो हेड मेरे पास काफ़ी सारा है, और मैंने कई जगह पॉट में लगा रखा है, तो इसके अंदर आप देख रहे हैं वाइटनेस ज़्यादा है, है ना। और फ्रेंड्स, एक मेरे पास ये पिंक वाला है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी अच्छा चल रहा है मेरे पास में। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने लगभग 2-3-4 तरीके के सिंगोनियम अपने यहाँ लगा रखे हैं। एक छोटी छोटी लीव्स वाला सिंगोनियम भी है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में ये बताना चाहती हूँ कि फ्रेंड्स, सिंगोनियम कई तरीके के आते हैं, कई कलर्स में आते हैं फ्रेंड्स। तो लाने से पहले इनकी थोड़ी सी जानकारी अगर हम लोगों को हो, तो हमारे ये सिंगोनियम भी जैसे हमारा वो अभी जो मैंने नॉर्मल वाला दिखाया है वैसे ही चलने में है, ज़्यादा टफ नहीं है इस प्लांट्स को लगाना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं इस तरीके के सिंगोनियम अपने घर में लगाना, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा देखें। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और फ्रेंड्स मेरे चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सिर्फ पानी का ध्यान रखना होता है कि जो हमारा पानी है जो हम नॉर्मल वाले में डालते हैं, वो प्लांट्स फ्रेंड्स रोज़ भी पानी दो के तो भी चलेगा। और ये वाले प्लांटर्स में फ्रेंड्स, प्लांट्स में मैं पानी जब इसकी मिट्टी थोड़ी टाइट हो जाती है, ड्राई हो जाती है, तभी पानी देती हूँ। ये वाला हो या फिर वो पिंक वाला, मतलब वो नॉर्मल एरोहेड को हटा दो तो जितने भी आप ये सिंगोनियम आप लेके आते हैं, उनका साइज चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, कलर कोई भी हो फ्रेंड्स, थोड़ा अगर हट के है तो उनकी केयर में सिर्फ इतना ही करना होता है फ्रेंड्स, कि बस इनको थोड़ा सा एक तो सेमी शेडी एरिया देना होता है, वो अगर धूप में भी हैं तो चलेंगे, पर ये फ्रेंड्स थोड़ा सेमी शेडी एरिया में ही चलते हैं। और दूसरा फ्रेंड्स, इसको पानी ज़्यादा ना देनी, ये ख़राब हो जाते हैं, फंगस लग जाती है इनकी जड़ों में, और ये इनकी जो खूबसूरती निकल के आ रही है वो ऐसी नहीं होती बस। तो मैंने फ्रेंड्स इनको ज़्यादा कुछ भी नहीं किया है, मैंने इनमें पानी का ख्याल रखा है कि पानी जब इनकी मिट्टी ड्राई हो जाए तभी दें। और फ्रेंड्स, ये अच्छा खासा इंडोर प्लांट है, इसको आप इंडोर रख सकते हैं, बस कभी कभी इसको थोड़ी सी सनलाइट चाहिए होती है, तो आप इसमें इसको अगर हफ्ते में एक बार
सनलाइट में रख भी देते हैं, डायरेक्ट सनलाइट में ना भी रखें, नहीं रखना चाहिए इसको, इनडायरेक्टली सनलाइट में रखें फ्रेंड्स, तो ये काफ़ी अच्छे चलते हैं। इनको ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, लगता है कि हाँ इनको भी थोड़ा केयर की ज़रूरत है, ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है, बस इन दो चीज़ों का ख्याल रखें काफ़ी है। सो फ्रेंड्स फिर मिलती हूँ आपको मैं किसी और वीडियो में, तब तक आप अपना अपने प्लांट्स का ख्याल रखें, बाय फ्रेंड्स।